टू इन वन रेसिपी में आज दो रेसिपी जो शेयर करने जा रही हूँ, उसमें से सबसे पहले मैं आज बनाने वाली हूँ पालक के क्रिस्पी यम्मी और टेस्टी पकोड़े। तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक गड्डी पालक की ले ली है और उसे तोड़ लिया है और धोकर छन्नी में छानने रख दिया है। तो यहाँ पर हमने अभी पालक को अच्छे से धो लेने के बाद इसे अब हमें इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में इस तरह से काट लेना है। हमें ज़्यादा बारीक नहीं काटनी है पालक की सब्ज़ी को। तो इस तरह से मैंने ये सारी सब्ज़ी काट ली है, बड़े बड़े पत्ते रखे हैं इसके, बारीक नहीं काटा है। तो अब एक बर्तन में मैंने यहाँ पर आधा कप बेसन आटा ले लिया है और इसमें अब हम 1/4 कप चावल का आटा डाल देंगे और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर ज़ीरा लिया है। 1 से 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर पिसी हुई लहसुन की मिर्ची ले ली है, 1/2 टीस्पून हल्दी और नमक मैंने यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया है। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है और इसके बाद कटी हुई जो पालक की सब्ज़ी है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से सारी सब्ज़ी हमने डाल दी है और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हाथों की मदद से हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से हल्का सा मैंने यहाँ पर पानी डाला था और 1 पिंच हम यहाँ पर खाता सोडा भी डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें पालक के पकौड़े फ्राई कर लेंगे। इस तरह से हम एक एक करके सारे पकौड़े इसमें ऐड कर देंगे और मध्यम धीमी आंच पर हमें इस पकौड़ों को फ्राई कर लेना है। तो देखिए एक तरफ से पकौड़े अच्छे से क्रिस्प हो चुके हैं तो हम पकौड़ों को पलट देंगे और पकौड़े अच्छे से क्रिस्प होने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, इस विंटर के सीज़न में आप भी ये पकौड़ों की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो देखिए पकौड़े हमारे क्रिस्प हो चुके हैं, अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, क्रिस्प और क्रंची और यम्मी ये हमारे पालक के पकौड़े बिल्कुल रेडी है। तेल अच्छे से निथार लेंगे और एक बर्तन में हमने ये पालक के पकौड़े निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये पालक पकौड़े की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद हम गोभी के पराठे की मैं रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कढ़ाई में 1/2 टीस्पून राई और 1/2 टीस्पून जीरा डाल दिया है। 1 मीडियम साइज की प्याज को मैंने चॉप करके डाल दिया है, 5 से 6 कड़ी पत्ता और 1 मीडियम साइज के टमाटर को मैंने यहाँ पर चॉप करके डाल दिया है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। फिर इसमें 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से पहले भून लेंगे इस तरह से और यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी को भी एकदम बारीक चॉप कर लिया है और धोकर छन्नी में छानने के लिए रख दिया है। पानी अच्छे से निथर चुका है तो अब हम इस प्याज टमाटर अदरक लहसुन के मिश्रण में पत्ता गोभी को डाल देंगे और इसे अच्छे से हमें भून लेना है इस तरह से। तो अच्छे से तेल में पत्ता गोभी को भून लेने के बाद मैंने यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ का उबला हुआ आलू लिया था जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया और उसे भी ऐड कर देंगे और अच्छे से भून लेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें धनिया भी ऐड कर दिया है। पानी हम इसमें बिल्कुल भी नहीं डालेंगे और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से इस तरह से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी ये गोभी के पराठे की स्टफिंग रेडी है। हम नमक इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर देंगे और इसमें डालेंगे हरी मिर्च, 1 हरी मिर्च मैंने कट करके डाल दी है और ऊपर से डाल दिया है थोड़ा सा हरा धनिया। तो फ्रेंड्स, ये हमारी गोभी के पराठे की स्टफिंग बिल्कुल रेडी है, इसे ठंडा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से गोभी के पराठे के लिए ये गोभी की स्टफिंग इस तरह से ज़रूर बनाइए। उम्मीद है आपको गोभी के पराठे की ये स्टफिंग और ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएंगी। तो मुझे कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दें। तो यहाँ पर हम ले लेंगे गेहूं के आटे की, मैंने यहाँ पर 2 छोटी छोटी लोई ले ली है और इसे हमें इस तरह से छोटा छोटा बेल लेना है। तो 1 रोटी बेल ली है, दूसरी भी मैंने यहाँ पर दूसरी रोटी भी बेल ली है और अब 1 रोटी पर हम जो गोभी के पराठे की हमने स्टफिंग बनाई है वो इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे और दूसरी जो रोटी है वो उसके ऊपर हमें इस तरह से रख कर अच्छे से सब तरफ से हमें प्रेस कर लेना है और आटे की खुश्की लगा लेंगे ऊपर से और हल्के हाथ से हमें ये पराठा बेल लेना है। देखिए कितने आसानी से, बिल्कुल भी स्टफिंग बाहर नहीं निकली है और एकदम आसानी से हमने ये गोभी का पराठा बेल लिया है गेहूं के आटे में। तो तवा हमारा गर्म हो चुका है और ये पराठा हम तवे के ऊपर डाल देंगे और अब इसे पलट देंगे हम और पराठे को पहले अच्छे से सेक लेना है हमें अच्छे से और फिर थोड़ा थोड़ा ऑयल डालकर हमें इसे दोनों तरफ से
थोड़ा सा ऑयल डालते हुए हमें इसे सेक लेना है। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरह से गोभी का पराठा ज़रूर बनाइए। तो आज की ये गोभी का पराठा और पालक के पकौड़े की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर फीडबैक दे फ्रेंड्स। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल इंटरनेट किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्टी यम्मी और सुपर डिलीशियस ये गोभी का पराठा बिल्कुल रेडी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए देखने में ही कितना यम्मी और टेस्टी हमारे ये गोभी के पराठे लग रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।